आज दुनिया भर में विकास के नाम पर पेड़ पौधे काटकर और पुरानी चीजों को तोड़कर नई चीजें बनाई जा रही हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि जब रोड, हाईवे या दूसरे तामीराती काम किए जाते हैं तो बीच में आने वाली इमारतों और घरों को तोड़ दिया जाता है, हालांकि उनके मालिकों को मुनासिब मुआवजा भी दे दिया जाता है। लेकिन कई मौकों पर लोग अपने मकान या जमीन बेचने को राजी नहीं होते हैं और इनकी इसी जिद के कारण बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 6 सबसे जिद्दी मकान मालिकों से मिलवाएंगे। नंबर 1, नॉर्दर्न चाइना के गोंगजू शहर में मौजूद इस घर के मालिकन ये महिला जो अपने घर को तोड़ने पर राजी नहीं थी। दरअसल लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर एक ब्रिज बनाना चाहती थी, ऐसे में आसपास के तमाम लोगों को उनके घर तोड़ने पर राजी कर लिए, लेकिन इस औरत को राजी नहीं कर पाए। इसके बदले में उन्हें 2 फ्लैट और 1,70,000 रूपए ऑफर किया था, लेकिन उनके लिए इतना काफी नहीं था। इस महिला ने 4 फ्लैट और 2,07,00,000 रूपए का दावा किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस घर की वीडियो इंटरनेट पर अपलोड होते ही ये घर टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है और सैकड़ों लोग इस घर को देखने के लिए यहाँ आते हैं। नंबर 2, ये घर न्यूयॉर्क शहर में है। यहाँ पर घर खरीदना कोई आसान काम नहीं है और जो घर का मालिक है वो बेचना नहीं चाहता। यह एक मॉल है, बीच में एक खाली जगह है। इस खाली जगह में एक छोटा सा घर है। जब इस जगह पर एक मॉल बनाया गया तो इस घर के मालिक को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई थी, लेकिन मालिक ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। मालिक ने कहा कि वो अपने प्यारे घर को बेचना नहीं चाहता है, इसलिए बिल्डरों ने इस खाली जगह को छोड़कर बाकी जगहों पर एक मॉल बनाया। बाद में घर का मालिक ठेकेदार का दोस्त बन गया और जब वो मर गया तो उसका घर ठेकेदार को दे दिया गया, क्योंकि ये इस घर के मालिक की आखिरी इच्छा थी। नंबर 3, चीन में एक सड़क को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ा क्योंकि जिस जगह पर सड़क बनाया जा रहा था वहाँ पे एक घर बना हुआ था। 5 मंजिला ये इमारत सड़क के बीच में बनाई गई थी और घर के मालिक इस घर को छोड़ना नहीं चाहता था और वो इस पर अड़े रहे। चीन की सरकार ने भी घर के मालिक को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। आखिर में चीन सरकार ने ये फैसला किया कि रोड तो बनाएंगे ही और वो भी इस रोड पर ही बनाएंगे। घर को आप तोड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे, जिसकी वजह से रोड को चौड़ा करना पड़ा। नंबर 4, ये घर ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में स्थित है। बिल्डर ने पूरी कॉलोनी खरीद ली लेकिन इस घर को खरीद नहीं पाया। घर के मालिक को करोड़ों रुपए की पेशकश की गई थी लेकिन मकान मालिक इसे बेचने के लिए तैयार ही नहीं हुए। मालिक ने कहा कि वो किसी भी हाल में अपना घर नहीं बेचना चाहता है। बिल्डर ने उसे बहुत समझाया लेकिन मकान मालिक नहीं माना। वो घर की जगह एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था लेकिन मकान मालिक की जिद के आगे उसकी कुछ नहीं चल सकी, आखिरकार उसे बंद करना पड़ा। नंबर 5, इस मकान मालिक ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी मकान खाली करने से मना कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े बिल्डर थे। उन्होंने कई बड़े टावर बनाए, उनमें से एक न्यूयॉर्क में मौजूद ट्रंप टावर है, लेकिन वो इस टावर के नीचे बने घर को नहीं हटा सके। उसने मकान मालिक को करोड़ों रुपए देने की पेशकश की लेकिन वो नहीं माना। नंबर 6, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि चीन सरकार एक झोपड़ी भी नहीं हटा सकी। जी हाँ दोस्तों, चीन में एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग काम करने आते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा महल है, चीनी सरकार ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन मकान मालिक नहीं माना और इस मामले को अदालत में ले जाना पड़ा, लेकिन चीन सरकार को वहाँ भी हार का सामना करना पड़ा। तब सरकार ने उन्हें नए घर देने के लिए कहा, पैसे दिए, लेकिन झोपड़ी वाले ने झोपड़ी खाली नहीं की, उसने अपनी झोपड़ी नहीं हटाई और आज भी ये घर इसी सड़क पर है जहाँ दोनों तरफ महल और बीच में सड़क और सड़क पर ये झोपड़ी। तो दोस्तों, उनमें से आपको कौन सा मकान मालिक सबसे जिद्दी लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल का आइकन जरूर प्रेस करें।